हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्जाम, ए प्लेस वेयर वी प्रीफर स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज का है। एंड गेम सीरीज में कौन सा टॉपिक है, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे अपन, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में पार्ट टू, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है अभी, जो इक्विलिब्रियम के 5 क्वेश्चन करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो जेई के हैं, ठीक है। इसमें जो मैंने करा था, जो फर्स्ट पार्ट करा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस नीट के थे, कुछ क्वेश्चंस जेई के थे, लेवल के थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारा क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जेई लेवल का है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही क्या कहते हैं हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसे आप समझोगे, करोगे, प्रैक्टिस करो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत ही आएंगे आपके, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट टू है, यहाँ पर अपन कितने क्वेश्चंस करेंगे, 5 क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चंस यानी 6 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एज यूजुअल वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन देखोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद वीडियो को रिज्यूम करोगे और अपने जो प्रिपरेशन है आपका, क्या प्रिपरेशन का लेवल है वो आपको चेक होगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, अब यहाँ से क्या है, द के एस पी ऑफ ए जी सी आर ओ 4 नेगेटिव, ठीक है। सिल्वर क्रोमेट का के एस पी का वैल्यू दिया हुआ है एट 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है। ये क्या है, ये जो वैल्यू आपको डेटा में दिया हुआ है, ये क्या है, ये के एस पी का वैल्यू है, ठीक है। ये के एस पी का वैल्यू है, आपको क्या निकालना है, सॉलिबिलिटी निकालना है। इसमें के एस पी दिया हुआ है और सॉलिबिलिटी दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। देखो KSP निकालने के लिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले इसका रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन में क्या है, आपको जो रिएक्शन होता है Ag2Cr का, इसका अगर डिसोसिएशन करते हो, Ag2CrO4 का अगर डिसोसिएशन अगर आप करते हो, तो ये क्या बनता है आपका, Ag+ एंड CrO4 नेगेटिव, ठीक है। ये क्लियर है, ये 2 नेगेटिव है, यहाँ पर से कितना Ag आ जाएगा, 2 Ag आएगा। अब यहाँ पर समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है, इसकी भी सॉलिबिलिटी S हो जाएगी, ठीक है। इसकी सॉलिबिलिटी कितनी, S है, इसकी सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी, S हो जाएगी, और इसकी सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2S हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या करा, ये इसकी सॉलिबिलिटी आ गई, यहाँ से अगर आपको KSP निकालना होता है तो आप क्या करते हो, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में पहले क्या करते हैं अपन, AgNO3 का डिसोसिएशन करते हैं। AgNO सिल्वर नाइट्रेट का अगर डिसोसिएशन करोगे तो क्या बनेगा, Ag+ और NO3 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका। और इस केस में देखो क्या होता है, इस केस में जो मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, ये अगर 0.1 का मोलर कंसंट्रेशन है, इसका कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये भी 0.1 मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब समझना, यहां पर सिल्वर जो है, सिल्वर क्या है आपका, ये कॉमन आयन हो गया, ये जो आपका सिल्वर है, ठीक है, इस दोनों केस में ये जो सिल्वर है ये क्या हो गया, ये कॉमन आयन यहां पर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर आप KSP लिखते हो, अगर आप यहां पर KSP लिखते हो Ag2CrO4 के टर्म्स में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो KSP लिखने का क्या होता है, 2s² और ये हो जाएगा आपका S, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये किसका हो गया, Ag2CrO4 का, ये आपका KSP निकल गया यहाँ पर से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, KSP निकल गया आपका। अब देखो इस चीज़ को समझना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये क्या है, लेकिन अगर आपने इसे डिजोल्व किया, किसमें, AgNO3 सॉल्यूशन में डिजोल्व करा, तो यहाँ पर से क्या हो गया आपका, Ag का जो कॉमन आयन टर्म्स आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन, ये जो कॉमन आयन यहाँ पर क्या हो गया, ये Ag हो गया, यानी अब जो नया बनेगा, ठीक है, अब जो नया KSP बन जाएगा, इसके प्रेजेंस में Ag+, यानी 0.1 मोल्स मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर लिखोगे, तो जो KSP- हो जाएगा, ये KSP- हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.1+ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2s+0.1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ क्रोमेट आयन, ठीक है। तो यहाँ पर से क्लियर हो गया ये चीज़। अब KSP का वैल्यू आपको दिया हुआ, ये जो 1.1×10^-12 दिया हुआ, ये क्या है, KSP है। अब यहाँ पर से एक चीज़ और समझना, ये आपके इस दोनों टर्म्स में, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाता है कि 0.1
समझना इस बात को, 0.1 इज मच ग्रेटर देन, ये किसके वैल्यू, 2s के वैल्यू से, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी से ये जो कंसंट्रेशन है 0.1 ये बहुत ही छोटा हो जाता है, ये जो सॉल्युबिलिटी होता है ये क्या हो जाता है, बहुत ही स्मॉल हो जाता है एज कम्पेयर टू 0.1। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन नेग्लेक्ट करके चलेंगे, इसे क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसे अपन क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे इसके टर्म्स में, 0.1 के टर्म्स में, ठीक है। तो जो नया के एस पी डैश आ जाएगा, जो फाइनल के एस पी बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका, 0.1 का स्क्वायर इंटू एस, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको क्या दिया हुआ, के एस पी दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या करोगे, के एस पी का वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता है, के एस पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 1.1 × 10^-12 दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे इंटू एस करोगे, यानी यहाँ से अगर सॉलिबिलिटी निकालते हैं, एस की वैल्यू अगर निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 1.1, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.1 × 10^-12, 10^-12 हो जाएगा, ये -12 हो गया अपन 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा, जो फाइनल सॉलिबिलिटी आपका निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1.1 × 10^-10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से अपन इसको इधर लिख देते हैं, ये जो सॉलिबिलिटी का वैल्यू आया वो कितना आ गया आपको, 1.1 × 10^-10 आ गया, ठीक है, 10^-10 आ गया। अब यहाँ पर मोल पर लीटर हो गया, ये मोल पर लीटर हो गया। अब समझना इस बात को, ये जो S था और ये S था, दोनों का S सिमिलर है, ठीक है, इसकी भी सॉलिबिलिटी क्या हो गई, S हो गई थी, और ये जो सिल्वर क्रोमेट है इसकी भी सॉलिबिलिटी क्या हो गई थी, S हो गई। तो अपन ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो सॉलिबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट है वो यही हो जाएगा आपका, ठीक है, सेम आ जाएगा जितनी S की वैल्यू है, यानी सॉलिबिलिटी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, B इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन था सॉलिबिलिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो ये सिंपल भी है, ज़्यादा इसमें आप इसको अगर समझ लोगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यहाँ पर 1.1 × 10^-10 हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ नंबर, pH ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन इज 12, यहाँ पर pH दिया हुआ, pH दिया हुआ है, इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज, देखो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन आते ही एग्जाम्स में, तो इसलिए इस पर मैंने ज़्यादा इंफोसिस दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से आपको क्वेश्चन आएंगे और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, तो सारा ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर करने का कोशिश किया यहाँ पर। चलो देखो यहाँ पर, तो अगर ये pH ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, समझना इस बात को, pH अगर यहाँ पर दिया हुआ तो pOH का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर pH आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, pOH यहाँ पर कितना हो जाएगा, pOH अगर वैल्यू निकालेंगे तो 14 − 12 हो जाएगा, दैट इज 2। कैसे आया, तो pH प्लस pOH, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी यहाँ पर pOH का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, यानी अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हो, ठीक है, इसको क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, तो इसका रिएक्शन में देखो कैसे आएगा, तो ये मान लो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका। अब इसका हमने डिसोसिएट कर दिया, जब इसे डिसोसिएट करा तो ये क्या बन गया, Ba2+ बन गया, प्लस 2OH- आ गया, ठीक है, तो ये इसका हो गया। अगर मान लो इसकी सॉलिबिलिटी S थी, तो इसकी भी सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी, S हो जाएगी, और इसकी सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2S हो जाएगी, यहाँ से ये क्लियर है, ठीक है, ये रिएक्शन हमें पता ही ऑलरेडी। अब देखो, अब OH का कंसंट्रेशन आपको निकालना है, जब pOH आपको वैल्यू कितना निकल गया, 12 निकल गया, तो OH के लिए कितना निकल जाओगे आप, यानी अगर H+ का कंसंट्रेशन यहाँ से पता चल रहा है अपन को, H+ का कंसंट्रेशन कितना हो गया यहाँ पर, 10^-12 मोलर हो गया, ठीक है, यानी OH का कंसंट्रेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10^-2 मोलर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ है 2OH का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये 2H का वैल्यू दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2S के इक्वल है ये, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉलिबिलिटी निकाल लेंगे, सॉलिबिलिटी के लिए कितना हो जाएगा ये 5, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 को आप यहाँ ले आओगे और ये 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ सॉलिबिलिटी निकल जाएगी, और ये कितना हो जाएगा आपके, 5 × 10^-3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन अपन को निकल गया, अब क्या करेंगे, फर्दर इसको क्या करेंगे, के एस पी निकाल लेंगे। तो के एस पी के लिए आप क्या लिखते हो,
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के लिए क्या लिखते हो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी अगर आप इसे लिखोगे यानी s इंटू ये क्या हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 4s क्यूब आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4s क्यूब आ गया, सॉल्युबिलिटी का क्यूब आ गया। ठीक है, के एस पी आपको निकालना, एस का वैल्यू आपको पता, सिंपली आप यहाँ पर क्या करो वैल्यू पुट कर दो, देयर फोर के एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू सॉल्युबिलिटी कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10^-3 का क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कितना आ गया 500 इंटू 10^-9 बोल दो, या इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 10^-7 ठीक है एम क्यूब आ जाएगा। ये क्लियर है, तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर 5 × 10^-7। तो इसकी क्या हो गई, मोल पर लीटर होगा एक्चुअली ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एम क्यूब दिया हुआ, तो यहाँ पर से आप यहाँ पर से इसको भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 × 10^-7 ठीक है एम क्यूब आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन एक्वस सॉल्यूशन एट 225 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हो गया 298 केल्विन हो गया। तो 298 केल्विन पे जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, जो प्योर वाटर होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जब निकालते हो तो वहां पर कितना आ जाता है आपका, उस केस में जो आपका H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है सेम हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पर से OH का कंसंट्रेशन इंटू H का कंसंट्रेशन अगर वहाँ पर निकालोगे H प्लस का कंसंट्रेशन, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10^-14 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10^-14 आ जाएगा, इसे ठीक से लिख देता हूँ मैं, यानी अगर आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले रहे हो, यानी इसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं एट 298 केल्विन प्योर वाटर। ठीक है, एट 298 केल्विन इसका वैल्यू कितना हो जाता है 10^-14 हो जाता है। क्लियर है, और आपको एक बात पता होना चाहिए कि प्योर वाटर के लिए, ठीक है, फॉर प्योर वाटर जो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो H माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से अपन को क्या पता चल गया, प्योर वाटर के लिए OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10^-7 हो जाएगा, यहाँ से ये पता चल गया। अब देखो यहाँ पर से, यानी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया OH माइनस, ठीक है, फॉर प्योर वाटर कितना हो जाएगा 10^-7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, इन एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हैज ट्वाइस मैनी OH एज प्योर वाटर, यानी इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, किस पे, जो नया कॉन्सेंट्रेशन है जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया गया है, ठीक है, वहाँ पर कितना हो गया 2 × 10^-7 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फॉर द एक्वस H2O, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा ट्वाइस बोल रहा है, ट्वाइस इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, यानी 2 × 10^-7 हो जाएगा। ये क्लियर है, अब यहाँ से क्या करना आपको, OH का कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ से पता चल गया, तो यहाँ पर से आप POH लिख सकते हो, यानी POH का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस लॉग, और यहाँ पर कितना वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 × 10^-7 दिया हुआ है, आप इसे जब सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस लॉग 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये 7 माइनस लॉग 2 कितना होता है 0.3 के राउंड हो जाता है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.3 के राउंड हो जाता है, तो यानी यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 6.7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.7 आ जाएगा इन दिस केस, ठीक है, इस POH विल बी, तो ये क्या हो जाएगा 6.7 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर कितना आ गया 6.7 के इक्वल आ गया। ये क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं, तो यहाँ पर से आप सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, केवल आप क्या डाटा दिया हुआ है इस डाटा को आप यूज़ करोगे, क्या डाटा है ट्वाइस एज मैनी OH, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर से OH का क्या कंसंट्रेशन है जितना उसका प्योर वाटर का, उसका आपको क्या लेना है ट्वाइस लेना है एक्वस सॉल्यूशन पे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमने क्या करा ये एक्वस सॉल्यूशन, ये जो एक्वस वाटर है
ये एक्वस वाटर के जगह आप क्या ले लोगे, एक्वस सॉल्यूशन ले लोगे। ये क्या ले लोगे यहाँ पर आप, ये एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना वैल्यू दिया हुआ, तो ट्वाइस हो जाएगा इसमें, यानी 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा। इसका फर्दर आप क्या करोगे, लॉग के टर्म्स में निकालोगे, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6.7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट देखते अपन, ये देखो ये क्या है, ये आपका टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पर देखना आप, ये क्या है, ये आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का तो क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पर से क्या लेते हैं, ये बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, बफर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो, समझना इस बात को, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है, वॉज टाइट्रेटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वीक एसिड हो गया, ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। और यहाँ पर NOH क्या हो गया, ये स्ट्रांग बेस हो गया, ठीक है। इन दोनों का जब आप टाइट्रेशन करते हो, यानी बेंजोइक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द pH ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन हाफ ऑफ द एसिड वॉज न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, हाफ ऑफ द एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, यानी आधा एसिड जो हाफ जितना भी क्वांटिटी आपने लिया हुआ है, मान लो कि अगर आपने 1 mole लिया हुआ है, तो उसका हाफ क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब यहाँ पर समझना, ये क्या है, जब वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे, तो जो एसिडिक बफर होता है, एसिडिक बफर क्या होता है, देखो ये क्या हो गया, एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का बताता हूँ क्या होता है, अपन क्या करते हैं, पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, बेंजोइक एसिड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन का इक्वेशन लिख लेते हैं। यानी बेंजोइक एसिड क्या हो गया, C6H5COOH, ठीक है, ये हो गया बेंजोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या दिया, सोडियम बेंजोएट, यानी C6H5COONA, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो गया, COONA दिया आपको, ठीक है, और यहाँ पर प्लस वाटर निकला। अब देखो ये क्या हो गया, ये आपको वीक एसिड हो गया, ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रांग बेस हो गया। अब जो ये सॉल्ट बना, ये सॉल्ट किसका बना, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का सॉल्ट बना। तो ये क्या हो गया, वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस का जो सॉल्ट होता है, इसी में आपको क्या बोल दिया जाता है, एसिडिक बफर। यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, एसिडिक बफर है, याद रखना, ठीक है। ये क्या हो गया, वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस से ये क्या बना, सॉल्ट बना, इसी को आप क्या बोलते हो, एसिडिक बफर है। ये क्या, कौन सा है, एसिडिक बफर है। अब इस केस में देखो, यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ, डेटा क्या दिया हुआ है, कहता है कि व्हेन हाफ ऑफ द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, हाफ ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड हो गया। यानी अगर आपने इसको, यानी अगर 1 लिया हुआ था, तो ये 1 molar लिया हुआ था, तो ये कितना बचा, 0.5 molar बचा, ठीक है, हाफ ही न्यूट्रलाइजेशन हुआ। और ये जब आपका यहाँ पर जो सॉल्ट बना है, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से जो सॉल्ट बनाइए, ठीक है, इसकी भी क्या कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.5 molar, ठीक है। तो अब यहाँ पर से देखना, अब इस केस में ये बहुत स्पेशल केस है, ठीक है। यहाँ पर जो आप pH निकालते हो इन केस ऑफ एसिडिक बफर, इसमें क्या लिखते हो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log, ये क्या हो गया, ये आपका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हो गया, ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो pH निकाल रहे हो, ये एसिडिक बफर के लिए pH होता है। अपन को यहाँ पर क्या निकालना है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, यानी आपको यहाँ पर से Ka का वैल्यू निकालना है, ठीक है, Ka का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये क्या हो गया, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, सेम हो गया, यानी 0.5 हो गया। तो यहाँ पर log 1 आ जाएगा, यानी अगर आप इसको फर्दर लिखते हो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log, ये सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सेम है, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और log 1 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दिस विल टेंड्स टू बिकम 0, इसका जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इस केस में pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pKa हो जाएगा। कब होगा, जब सॉल्ट और एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, इन केस ऑफ एसिडिक बफर सेम हो जाए। अगर बेसिक बफर रहता तो वहां पर क्या होता है, सॉल्ट और बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता वो अगर इक्वल हो जाता, तो इस केस, उस केस में क्या हो जाता है, pH इज इक्वल टू pKb हो जाता है इन केस ऑफ बेसिक बफर।
लेकिन यहाँ पर पी एच इज इक्वल टू पी के, अपन को क्या निकालना, पी के ए का वैल्यू निकालना है, यानी के ए का वैल्यू निकालना है यहाँ पर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का। और अपन को किस चीज़ का वैल्यू दिया हो, पी एच का वैल्यू दिया हो, पी एच कितना दिया, 4.2 दिया हुआ, 4.2 दिया हुआ है। तो पी एच का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये कितना, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.2 इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, ठीक है, पे की ए को लिख सकते हैं, के ए लिख सकते हैं, प्लस जीरो हो जाएगा। ये तो क्लियर है यहाँ से। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, एंटी लॉग होता है। एंटी लॉग का आपको टेबल दिया रहेगा, वहाँ पर से अगर आपको निकालना वैल्यू दिया रहेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, एंटी लॉग का। तो यहाँ पर से के ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.31 × 10⁻⁵ आ जाएगा, ठीक है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया, 6.3 × 10⁻⁵ हो गया। तो यानी ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ से ये चीज़ को क्लियर रखना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन का केस में क्या हो जाएगा, देख लेना कि एसिडिक बफर बन रहा है या बेसिक बफर बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, ली चैटलियर प्रिंसिपल का है। तो ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्या करा मैंने, ये देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस है, ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, तो ये समझना बात को, मैंने क्या करा था, मैंने इसमें सोचा कि सारे टर्म्स को कवर कर लूँगा, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर से ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना ऑप्शन को लेकर, केवल यहाँ पर से सीखना, ठीक है, ये सीखने के लिए आपके लिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन एट एन एक्विलिब्रियम एट हाई टेम्परेचर, एन टू से क्या बन रहा है, एन टू और एच टू ओ का आपने मिलाया, तो ये रिएक्शन क्या दिया, टू एन ओ और हाइड्रोजन गैस दिया जा रहा है। तो द कंसेंट्रेशन ऑफ एन ओ, ठीक है, ये जो एन ओ गैस बन रहा है ये प्रोडक्ट में है, ये जो एन ओ गैस है ये क्या है, ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को याद रखना, ये किस में है, प्रोडक्ट में है। तो अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट को लेके चलेंगे यहाँ पर। द कंसेंट्रेशन ऑफ एन ओ गैस इज अफेक्टेड बाय, अब यहाँ पर समझना, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, पहला क्या ऑप्शन है, ठीक है, ये जो एनओ का फॉर्मेशन हो रहा है उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, ठीक है, तो कुछ ही फैक्टर है, जैसे कि आपका यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट से यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट भी कर रहे हो या नोबल गैस ऐड कर रहे हो, तो ये सब कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को अफेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को यानी उसके कंसंट्रेशन को अफेक्ट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, तो पहला क्या, इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन कंसंट्रेशन, यानी आपने क्या करा, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया फर्स्ट केस में। तो एक बात याद रखना, जब आप रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट का कोई भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप ऐड नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो। तो जब भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, ठीक है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन मूव करेगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट से समझना, अगर आप प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, रिएक्शन शिफ्ट किस डायरेक्शन में कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, अगर आपने क्या करा, डिक्रीजिंग द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेट, यानी ये जो आप हाइड्रोजन की ये जो प्रोडक्ट में आपका बना है, आपने इसे क्या करा, इसके क्वांटिटी को आप डिक्रीज कर रहे हो, तो इस केस में इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को डिक्रीज करे तो ये क्या हो जाएगा, फिर भी ये फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर से अगर आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यानी ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ये भी करेक्ट है आपका, ये भी अफेक्ट करेगा एनओ का फॉर्मेशन, और डिक्रीजिंग द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ये भी अफेक्ट करेगा एनओ का फॉर्मेशन, यानी दोनों पॉजिटिव फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, एनओ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एक किसका आता है, प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या रहा, कंप्रेसिंग द रिएक्शन मिक्सचर, आपने क्या करा, यहाँ पर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया, यानी कंप्रेसिंग का क्या मतलब है, प्रेशर इज डिक्रीज्ड, ठीक है।
तो ये जब प्रेशर को आप डिक्रीज करें तो प्रेशर का मैं अलग से बता देता हूँ मैं, ठीक है। प्रेशर का देखो क्या है, जब भी आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट को आप माइनस करते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो एक डेल एन जी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब डेल एन जी के दो कंडीशन है, एक या आइदर ये तो पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर नेगेटिव हो सकता है, ये दो केसेस हैं, ठीक है। या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो इस केस में देखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी 2NO और 2H2, यानी ये 4 हो गया और यहाँ पर से ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, यानी ये इस केस में क्या है, पॉजिटिव है। इस केस में क्या है, पॉजिटिव है। जब डेल एन जी, याद रखना, वेल डेल एन जी इज पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या हो गया, डेल एन जी का जो वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो आप इस मैप को, अगर आपको हो सके तो इस मैप को आप याद रखना। कैसा मैप, तो देखो ये क्या हुआ, आपने प्रेशर को इंक्रीज करा, ये प्रेशर का चीज़ है, ये जो आपको सारा चीज़ बताया जा रहा है ये प्रेशर के टर्म्स में बताया जा रहा है, ये जो आपको सॉल्व कराया जा रहा है ये किसके है, प्रेशर के टर्म्स में किया जा रहा है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का इफेक्ट जो है इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वेल डेल एन जी इज़ पॉजिटिव, ठीक है, तो आप इस डायग्राम को याद रखना ऐसे करके, ठीक है, और जो आपका एक इधर का डायरेक्शन है वो ऐसा है। तो ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब समझना, ये मेरा खुद का बनाया हुआ था, ठीक है। मैंने जब मेरे को जब नहीं समझ में आ रहा था, लिच एटलियर प्रिंसिपल काफ़ी कंफ्यूजिंग था, तो मैंने इसे यूज़ किया था। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, कब, वन डेल एन जी इज़ पॉजिटिव, तो ये जो रिएक्शन है ये किधर होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, किधर मूव करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और उसी में अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। यानी ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये कब होता है, व्हेन डेल एन जी इज पॉजिटिव, ठीक है। ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अगर इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये मेरा था। अगर सेकेंड केस आता है, वेल डेल, ये तो फर्स्ट केस आ गया आपका, ठीक है। सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, वेल डेल एन जी इज नेगेटिव, ठीक है, ये क्या हो गया, डेल एन जी का वैल्यू क्या हो गया, ये नेगेटिव आ गया आपको। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में जो डायरेक्शन होता है वो ऐसा, इधर तो आप एक साइड प्रेशर इंक्रीज ही करते हो, सेकंड टाइम्स में क्या करते हो, प्रेशर को डिक्रीज ही करते हो, यही दो कंडीशन होता है, या तो प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हो या तो प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो आपका एरो है, दोनों एरो क्या हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ आ जाएगा। अब देखो यहाँ से, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज करा तो ये जो डायरेक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, रिएक्शन किस मूव करेगा, किस तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। तो ये क्या था, ये प्रेशर चेंज, जब आप प्रेशर को चेंज करते हो, इंक्रीज या डिक्रीज, तो उसके दो कंडीशन आते हैं, या तो डेल एन जी पॉजिटिव होगा या तो डेल एन जी नेगेटिव होगा, और इस केस में डेल एन जी क्या था, पॉजिटिव था। यानी कंप्रेसिंग, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कंप्रेसिंग द रिएक्शन मिक्सर, यहाँ पर डेल एन जी कौन सा था, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 - 3, ठीक है। ये जो आपका ये कितना है, ये 4 - 3 हो गया, यानी ये डेल एन जी का वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया, क्लियर है। प्रोडक्ट का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और जो रिएक्टेंट का है, दोनों को हमने माइनस कर दिया तो 1 आ गया, यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आप कंप्रेस कर रहे हो तो यानी ये क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, प्रेशर को आप डिक्रीज कर रहे हो, जब डिक्रीज कर रहे हो तो ये किस रिएक्शन में, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये भी क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन जो 2NO का जो कॉन्सेंट्रेशन है, नाइट्रस ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, उसको क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा और ये भी इंक्रीज करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ये बताने का था क्या, कि आपको इसमें समझाना था मेरे को, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन उठाया। अब देखो एक लास्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में क्या, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, इसमें क्या हो गया, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो एक बात आपको याद रखना है कि कैटलिस्ट जो है कभी वो क्या करता है, किसी के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है, वो केवल क्या करता है, स्पीड को इफेक्ट करता है, ठीक है, स्पीड को इफेक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन को इफेक्ट नहीं करता है, क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, तो इसमें हो जाएगा नो इफेक्ट, ये कोई भी इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करता है। तो इस केस में आंसर मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, यानी इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, इसमें मैंने सारा मतलब कि लीच एटलियर प्रिंसिपल का ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर का तो कवर कर ही लिया, वॉल्यूम का ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम का ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, वॉल्यूम चेंज कब होता है, ठीक है, उससे बाद में देख लिया जाएगा। अब देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो क्या है, लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये बहुत ही अच्छा आज का जो क्लास था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इफेक्टिव क्लास था, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मैंने बहुत वाइड रेंज का जो कोर्स है मैंने यहाँ पर कवर करा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।